नेपाल से भारत आए इन चाइनीज स्ट्रीट फूड वेंडर्स के कार्ट पे आपने खड़े होकर के अपनी लाइफ में कभी ना कभी मंचूरियन और फ्राइड राइस जरूर खाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनाते कैसे हैं, इसके पीछे राज क्या है? तो आज इस राज से पूरा पर्दा उठने वाला है कि किस तरीके से ये नेपाली भैया लोग हमें मंचूरियन बना के देते हैं। तो इसकी शुरुआत हो जाती है एक बड़े रूम से, जहाँ पे कम से कम 300 से 400 पत्ता गोभी को स्लाइस कर लिया जाता है, चॉप कर लिया जाता है, और 4 से 5 लोगों की पूरी टीम मिलकर इस काम को कर रही है। अभी लाइव में इस रूम के अंदर खड़ा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता दूँ तो इस रूम में से सिर्फ और सिर्फ पत्ते गोभी की स्मेल आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस इसके आगे होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार जब इन चीज़ों को चॉप कर लिया जाता है तो ये भैया उसी पावदान पे चलते हैं जिस पे इसे काट के इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगा और मैंने इस बारे में उनसे बोला भी तो वहाँ से हट गए। देन अब बारी आती है इस चीज़ को इस कंटेनर में भर लेने की। ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है दोस्तों कि इसे भरने के लिए इस तरीके के 10 से 20 कंटेनर लग जाते हैं एक घंटे के अंदर में। एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, लोग भले ही मंचूरियन को चाइनीज़ डिश बोलते हैं बट एक्चुअली ये चाइनीज़ नहीं है, इसे इंडिया में ही ईजाद किया गया था। ये एक रेडी टू गो टाइप की सब्ज़ी है। एक बार जब आपका पत्ता गोभी कट जाता है तो उसकी बाद बारी आती है इसे एक बड़े से टब में डालने की। ये एल्यूमिनियम टब है, अगेन एल्यूमिनियम इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट यहाँ पे इतने बल्क में बन रहा है तो इसके अलावा इजी और सस्ता चीज़ और कुछ नहीं हो सकता इसे बनाने के लिए। और अब यहाँ पे डाला जा रहा है नमक। नमक यहाँ पे टेस्ट के अनुसार डाला जाएगा, लेकिन जितनी क्वांटिटी देखी जा रही है उससे थोड़ा कम डाला जाएगा क्योंकि बाद में ये गल के कम होता है। एक बार नमक को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इसमें से जो पानी है उसे रिलीज़ कर देता है। बीच में गड्ढा बनाते हैं और यहाँ पर डालेंगे मैदा। ये आप देख रहे हैं जो मैदा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मैदा यहाँ पे यूज़ करते हैं ये लोग बल्क में, ये हो गए, इसके अलावा जो बेकरी वाले होते हैं वो मैदा और जो हमारे घर में मैदा आता है वो दोनों काफ़ी डिफरेंस रहता है। ये मैदा काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद और चमकता है, इसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, इसमें ग्लूटेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो नॉर्मल हमारे घर पर मैदा आता है वो इससे थोड़ा कम रहता है। तो ओवरऑल घर का मैदा अच्छा होता है, ये मैदा उतना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अब इस चीज़ को, यानी कि जो आपका मैदा और पत्ता गोभी है, उसे एक डो के फॉर्म में मिला लिया जाता है। देख सकते हैं आप, पत्ता गोभी का पानी यहाँ पे छूट गया और ये डो के फॉर्म में बन गया, बट ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे पानी भी मिलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं भट्टी वाले रूम में और यहाँ पे इस मंचूरियन का जो हमने डो बनाया था उसकी बॉल्स को बना बना के इस हीट ऑयल में डाल रहे हैं। एक बार में 4 कड़ाहे बड़े बड़े हैं जहाँ पर लगातार ये बॉल्स पड़ रहे हैं और तकरीबन 200 से 300 केजी की लगभग मंचूरियन फ्राइड होकर के निकल रहा है। ये एक कढ़ाई है जिसमें से आपका जो मंचूरियन है वो फ्राइड हो चुका है कुछ इस तरीके से गोल्डन क्रिस्प, और इसको निकाल के दूसरे कंटेनर में डाल लिया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये चाइनीज़ खाना होता है स्पेशली जिसमें इंडियन टाइप का टच होता है, इन सारे फूड्स को चिंडियन फूड्स बोला जाता है, यानी चाइनीज़ प्लस इंडियन। बट आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि इन चाइनीज़ फूड में जो पड़ता है अजीनोमोटो, वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो मेक श्योर कि अगर आप ये स्ट्रीट फूड्स वगैरह खा रहे हैं तो इसे एक बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में खाइए, रोज़ इसके खाने की आदत मत बनाइए। ये यहाँ पे आपका मंचूरियन पूरा बन चुका है। अब बारी आती है इसको सेल आउट करने की। तो सेल करने के लिए यहाँ पे इनका एक अपना खुद का एक सेटअप है जो कि इस तरीके से बाहर लगा है। यहीं पे बने हुए मंचूरियन सारे आ जाते हैं और फिर उनको ग्रेवी के साथ, फ्राइड राइस के साथ आपको सर्व कर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा।